जी टीवी के ब्लॉकबस्टर शो कुमकुम भाग्य पर निकल कर आ गई है बहुत बड़ी खबर। इस शो में कुछ समय पहले ही जेनरेशन ली भी हमें देखने को मिल रहा है और इस शो में एक बिल्कुल नई विलेन की एंट्री होने वाला है। तो इस शो में हमें कौन नई विलेन के तौर पर देखने को मिलेंगे, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जी टीवी के कुमकुम भाग्य को फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इस शो में अभी हमें थर्ड जेनरेशन की कहानी देखने को मिल रही है। इसके फर्स्ट सीजन में हमें अभी और प्रज्ञा की कहानी देखने को मिला था, जिस पर हमें साबिर आलूबालिया और श्रीति झा नजर आए थे। इसके दूसरे सीजन में हमें देखने को मिले थे कृष्णा कॉल एंड मुग्धा, जो इस शो में हमें नजर आई थी प्राची और रणबीर के रोल में। इसके तीसरे सीजन में हमें देखने को मिल रही है राजवंश और पूर्वी की कहानी। इस बार इस सीजन में हमें अब्रर काजी और राशि शर्मा मेन लीड्स के तौर पर हमें देखने को मिल रही है। इसके थर्ड सीजन में हमें फिर से रणबीर और प्राची भी देखने को मिल रही है, जो फैंस को काफी ज्यादा वो पसंद आ रहे हैं। अभी खबर ये निकल कर रही है इस शो में एक बिल्कुल नई निगेटिव कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है। ये है आपके फेवरेट नागिन सीजन 6 फेम विशाल सोलंकी। नागिन एक्टर विशाल सोलंकी टू एंटर इन जी टीवी शो कुमकुम भाग्य। तो इस शो में विशाल की एंट्री होने वाली है। ही वुड बी प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर इन द शो। इसमें वो हमें एक नेगेटिव रोल में नजर आने वाली है। उनको हमें कुछ से पहले कलर्स टीवी के शो परिणीति में भी देखने को मिला था नेगेटिव रोल में ही। तो उनके एंट्री से इस शो में बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। कुमकुम भाग्य हमें देखने को मिलता है जी टीवी पर सोमवार से शुक्रवार रात के 9 बजे और उस टाइम स्लॉट पर इस शो का टीआरपी पहले बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल कर आता था, लेकिन कुछ वक्त से इस शो का टीआरपी थोड़ा सा कम निकल कर आ रही है। तो इस हफ्ते इस शो का जो जेनरेशन लीप के बाद टीआरपी निकल कर आने वाली है, तो आपको क्या लगता है इस शो की जेनरेशन लीप की टीआरपी क्या निकल कर आ सकती है, आप कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। और बिल्कुल नई ट्विस्ट को देखने के लिए भी आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है वो भी आप कॉमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।